हेलो गाइस, सो वेलकम टू बैक माय चैनल आरके क्रिएटर। और गाइस, अभी हम मेट्रो स्टेशन के अंदर से निकले। देखिए, हम अभी सीढ़ियों के ऊपर चल रहे हैं और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। एक न्यू शादी वेडिंग के अंदर हमको बुलाया गया है उत्तर प्रदेश में, जो कि वेडिंग है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो गाइस, अभी तो मैं अपने कालूपुर रेलवे स्टेशन यानी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस आज। और गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग रेलवे ट्रैक के जस्ट बाजू में चल रहे हैं। और फाइनली हमारी अहमदाबाद टू पटना एक्सप्रेस जो ट्रेन है 19421 वो आ चुकी है। और आप देखेंगे लोग चालू ट्रेन में किस प्रकार से चढ़ रहे हैं। और फाइनली ट्रेन रुकी और उसके बाद भी देखिए लगातार लोग चढ़े जा रहे हैं। गाइस, जनरल डब्बा नहीं है, स्लीपर है, मेरा भी स्लीपर में कन्फर्म बुकिंग है। तो गाइस देखिए, स्लीपर के अंदर भी कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग किस प्रकार से चढ़ रहे हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर अभी हाफ एन आवर का यहाँ पे स्टॉप है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। और गाइस, फाइनली हम अपने अहमदाबाद को छोड़ चले, बाय बाय अहमदाबाद, मिलते हैं इन 15 डे के अंदर, 15 दिनों के अंदर हम वापस आने वाले हैं। और गाइस, मैं फाइनली अपनी सीट पर बैठा हूँ, मेरी सीट ऊपर की है बट अभी मैं नीचे बैठा हूँ। और अभी आप देखाऊँगा, मैं आपको नीचे देखिए, ऊपर मेरे एक बच्चे आ गए, बहुत ही प्यारी बच्चे थी जिससे मैं पूरा रास्ते बात करते हुए आया। और अब देखेंगे, नाइट का टाइम है थोड़ा, तो लोग इस कर से बैठे हुए हैं। ये रिजर्वेशन कंफर्म डब्बा है और ये स्लीपर का है, उसमें भी देखिए लोग किस कार नीचे बैठ के जा रहे हैं। तब बिहार वाले मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि वहाँ पर अभी शादी भी आया तो बहुत से लोग जा रहे हैं। और फाइनली गाइस, अभी हम प्रयागराज में जस्ट एंटर हुए और यहाँ पर थोड़ा टाइम हम रुकेंगे आज। और हमारी अहमदाबाद टू पटना एक्सप्रेस को करते हैं बाय बाय, क्योंकि इससे भी और भी आगे जाना, मैं तो अभी प्रयागराज में उतरा हूँ और इससे अभी जाना है पटना तक। तो गाइस, अभी भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और अच्छा है मैं उतर गया यार। गाइस, सेम इतना ज़्यादा भीड़ था ना, एकदम मतलब बहुत बोर हो गया था, फिर मैं प्रयागराज में उतर गया। और गाइस, ये है कोच केयर सेंटर जहाँ पर प्रयागराज का, जहाँ पर सारी ट्रेनों का मरम्मत, मतलब उनका जो भी पार्ट ख़राब हो जाता है उसको सही किया जाता है। और गाइस, यह है प्रयागराज का जंक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो रात को ऐसे मैं 2 बजे उतरा तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे जाना किधर है। और यहाँ पे लाइटिंग का भी इतना ज़्यादा है नहीं, बस हल्का फुल्की लाइट दूर दूर है और पूरा मतलब सिटी जैसा तो है नहीं कुछ, पूरा बंद है एकदम। तो फिर मैं यहाँ पे रात को थोड़ा आराम किया और उसके बाद फिर मैं सुबह के टाइम पे निकला, फिर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से बाहर की ओर निकला। और गाइस, मुझे यहाँ पे कुछ रस्सियाँ देखने को मिली, मुझे ऐसा लगा कुछ वहाँ पे जो लड़के भी थे देखे पीछे वाले कमेंट करते रस्सियाँ रस्सियाँ बोल पूरा, उसको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहे थे। तो फिर उनको मैंने पूछा, रहते ना बोलते मुझे भी नहीं पता। फिर जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन के बाहर आया तो यहाँ पर एक भैया थे जो कि छोले पूरी और छोले भटूरे बना रहे थे, तो मैंने छोले भटूरे खाया जो कि बस जस्ट 25 रुपीज़ का था और बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं एक ऑटो में बैठा और प्रयागराज की सैर पर निकल गया। उसके बाद मैंने मेरा थोड़ा काम जो था वो फिनिश किया और फिर मैं अपने जौनपुर की तरफ निकल दिया। और मैं यहाँ प्रयागराज के बस स्टॉप पे गया, वहाँ से मैंने एक बस पकड़ी जो कि जौनपुर जा रही थी। और गाइस, फाइनली मैं अपने जौनपुर के मछली शहर में पहुँचा और वहाँ पर मैं सीधे अपने शादी के मंडप में गया और बारातियों के आने का भी टाइम हो गया था, तो हमने फटाफट छेना पानी जो भी नाश्ता होता है किया और उसके बाद बारातियों के पास हम गए। तो हमारे यूपी बिहार के बारात में कम से कम 15-20 गाड़ियाँ आती है जो कि 4-व्हीलर होती है, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ऐसा ऐसा। उसके बाद यहाँ पर बारातियों की तरफ से नाच गाना सब रखा गया, तो सब हुआ और फटाखे फोड़े गए और वहाँ पर हमारे अखिलेश भैया जी का गाना बजा था समाजवादी। जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, उनका नाम मुलायम है। Thank you.
झुकना सीखा उनका नाम मुलायम है।
ये लाल रंग की लुगड़ी पे सलरी वाड़ो ले डीजे इक्का डीजे काजड़ी की कलक छुट्टी लो नखरो तेरो मैंगो You're my best.